Hello aspirants, welcome to U classes. In our reasoning, our next chapter is sitting arrangement. And sitting arrangement is one of the most important chapter in your syllabus. There will be 5 questions for sure in your paper. So it's very important chapter. So aiye baat karte hain ki sitting arrangement mein hame padhna kya kya hai. Sabse pehle ye cheez hum jaan le ki sitting arrangement hai kya. सिटिंग अरेंजमेंट में हमें पढ़ना क्या है, इसका एक ओवरव्यू पहले हम जान लें। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें करना ये होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहेंगे रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और द ऑब्जेक्ट एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ किसी अगर इंसान के बारे में बात कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात कर रहा है उनके अरेंजमेंट्स के बारे में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अरेंजमेंट इसमें दिए हुए रहेंगे उसके हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट को हमको कितने पार्ट में पढ़ना है या कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 3 तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द रो बेस्ड क्वेश्चंस। रो बेस्ड पहला है हमारा रो बेस्ड, दूसरे होते हैं सर्कुलर सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस और तीसरे हमारे मिसलिनियस। तीसरा हमारा मिसलिनियस यानी कि मिक्स टाइप्स। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं क्योंकि तीनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पार्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी से एक से आएगा, आपके एक क्वेश्चन रहने हैं जिसमें कि तीनों से किसी भी एक तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो इसीलिए हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते ना किसी पे कम वेट डाल सकते हैं। तो वी शुड अप्लाई इक्वल वेटेज इन एवरी पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट रो बेस्ड क्वेश्चंस। तो रो बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, रो बेस्ड है क्या, तो नाम से आपको दिख रहा है कि रो बेस्ड। तो रो बेस्ड का मतलब हो गया कि ऐसे अरेंजमेंट जिसमें रो का हमसे बात करें या फिर अरेंजमेंट हमको रो के टर्म्स में करना है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज हमें जान लेना चाहिए कि रो क्या होता है। रो आप देखें कि मान के चले एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें कि 4 आदमी के बारे में बात कर रहा है कि 4 फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो रो में किस तरह से बैठेंगे भाई, तो रो में आपको बेंचेस होंगे या एक लाइन में बैठे हुए होंगे। तो रो कैसा है, मान के चलिए ये रो है, उसमें 4 लड़के या 4 दोस्त अपने बैठे हुए हैं। अब इसमें कह सकता है कि उसका चेहरा किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या फिर वो साउथ की तरफ करके बैठे हुए हैं या किस तरह से, ये आपके हो गए, किसी भी तरफ से मुंह करके वो बैठ सकते हैं, ये हो गया आपके रोज, या तो नॉर्थ की तरफ देख सकते हैं या तो साउथ की तरफ देख सकते हैं, ये भी आपका एक रो हो गया। एक रो ऐसा भी तो हो सकता है, मान के चलिए अगर इस तरह से रो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कुछ लोग ईस्ट की तरफ देख रहे होंगे, कुछ लोग जो बैठे होंगे वो वेस्ट की तरफ देख रहे होंगे, तो ये भी, ये दोनों आपके रोज हैं। तो इन ऑर्डर में जैसे ये 4 दोस्त है, इनके फॉर्म को जंबल्ड करके आपसे पूछेगा कि एक दोस्त है बी इधर बैठा हुआ है, एक दोस्त सी यहां है, ए यहां है, बी यहां है, इसको आपको वर्ड्स में देगा और आपको इन फॉर्म में सजाना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए के बगल में कौन है, बी के बगल में कौन है, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पे एक, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूं कि रो बेस्ड में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। रो बेस्ड में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, आप पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप सिटिंग अरेंजमेंट का 3 पार्ट कर लें, तीनों पार्ट जो थे, उसके बाद हम सबसे पहला आते हैं अपने रो बेस्ड पे। तो रो बेस्ड का अगर हम बात करने के लिए जाएं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा रो बेस्ड है क्या, और उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है रो बेस्ड को समझने के लिए, उसको भी मैं अभी तुरंत करेंगे। रो बेस्ड में एक मैं आपको बता रहा हूं, एक है जया नाम की लड़की, उसके बारे में कह रहा है शी इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे दिया और कह रहा है कि देर आर टोटल 53 स्टूडेंट्स। ये हमारा इंफॉर्मेशन है, 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वहां पे टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से एक स्टूडेंट जो है जया, उसका पोजीशन दिया हुआ है शी इज 5th फ्रॉम लेफ्ट। अब इससे हम समझ क्या रहे हैं कि शी इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, रो बेस्ड है, ये नहीं कह रहा है कि उसका फेस किधर है किधर, हम किधर भी अपने मन से बिठा के देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक इस रो को बनाते हैं, यहां पे पहला बच्चा बैठेगा, यहां पे 53rd बच्चा बैठेगा, यानी कि टोटल 53 बच्चे हो गए इस रो में। अब इन 53 बच्चों को हमें किस तरह से बैठाना है, या तो इस तरह बैठा लो या इस तरह बैठा लो, कहीं बैठा लो, लेकिन इस लाइन पे आपको इन 53 बच्चों को बैठाना है।
अब कह रहा है कि जया जो है शी इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि मैं लेफ्ट इधर से लूं, क्योंकि मैं अगर इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट तो ये वाला हुआ या ये हुआ। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपने रो बनाया तो आप पेपर को देख रहे हैं, तो पेपर को देखते समय जो आपका लेफ्ट होगा, यानी कि आप इधर को देख रहे हो तो आपका लेफ्ट ये हुआ ना, तो आपका लेफ्ट ये होगा, दिस वुड बी लेफ्ट एंड दिस वुड बी राइट। तो जया इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बाई ओर से उसका स्थान पांचवा है, यानी कि पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी कि यहां पे जया बैठी हुई है। पोजीशन ऑफ जया इज फिक्स्ड एट द फिफ्थ पोजीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें एक आपको क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट्स हर पोजीशन फ्रॉम राइट, यानी क्या बोल दिया कि इसको दाहिनी ओर से जया का पोजीशन कितना है। अगर बाई ओर से तो हम हाथ से गिन ले रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांचवे पे आ गया, अब बाई ओर से गिनना है। तो अब मान के चलिए बाई ओर 53 स्टूडेंट है, मैं 53वें नंबर से इसको, मैं 53 तो बहुत आगे जाएगा, यहां से अब गिनूंगा 52 51 50 49 48 47 46 45 इस तरह करके मैं गिनते जाऊंगा, तो जाके यहां पे अगर मैं जितने पे काउंट रुकेगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल प्लेन मेथड। लेकिन मान के चलिए अगर 53 आपको लगता है कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 153 तब तो आप फंस जाओगे एग्जाम में। अब आप 153 का पूरा लंबा बनाओगे उसको गिनोगे, तो ये हमें काम करना नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है और आसान है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1। ये हमारा इसका एक फॉर्मूला है। इस क्वेश्चंस को रो बेस्ड क्वेश्चंस, ज्यादातर रो बेस्ड क्वेश्चंस इससे आपके बन जाएंगे। अब सबसे पहले जाने वाली बात है कि इस फॉर्मूले में लेफ्ट राइट और माइनस 1 ये क्यों किया, इस चीज को भी जानना जरूरी है ना, वरना आप कह दोगे कि अपने मन से मैं माइनस 1 ले लूं, माइनस 2 कुछ भी ले लूं, माइनस 1 ही क्यों लिया, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं 1 क्यों लिया। अब मैं आपको इस पे पहले सॉल्व करके बताता हूं सॉल्व कैसे करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी पे हम पुट करके देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास दिए हुए हैं 53, तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 53 लिख सकता हूं, लिख ही तो सकता हूं 53, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 53, टोटल 53 हो गए, इज इक्वल टू फॉर्मूले पे डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं लेफ्ट, क्या है ये लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि जया का बात हो रहा है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो उसका पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है फिफ्थ पोजीशन, तो ये फिफ्थ लिख देता हूं। अब पोजीशन फ्रॉम राइट, यानी ये आर जो है दिस इज पोजीशन फ्रॉम राइट, तो पोजीशन फ्रॉम राइट तो ये हमें निकालना है, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, शू कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ये माइनस 1, ये तो फॉर्मूला है, ये हो गया आपका डिराइव्ड इसका फॉर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, 53 माइनस 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, प्लस 1, अब ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, और ये x का x रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 53 प्लस 1 माइनस 5, यानी 54 माइनस 5 इज इक्वल टू 49, तो झट से हमारा आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू 49, यानी कि हर पोजीशन फ्रॉम राइट इज 49। तो ये था हमारा इसका सिंपल और फास्टेस्ट अप्रोच। अगर आप काउंट अप करने जाओगे तो काउंट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर टोटल नंबर स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, क्योंकि इससे हमारे सारे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। तो इसमें वही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं ये जो फॉर्मूला था टोटल नंबर स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, अब मैं आपको बताता हूं कि ये माइनस 1 कहां से आया। लेफ्ट राइट तो आपको पता चल रहा है टोटल राइट, ये माइनस 1 क्यों आया, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जया यहां बैठी हुई है पांचवें नंबर पे, अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो एक दो तीन चार, यानी कि यहां तक चार, जया यहां पे है, ये है पांचवा, आपने इसको काउंट किया तब तो ये पांच आया, अगर यहां तक करते तो चार ही आता ना, एक दो तीन चार काउंट किया, पांचवें बार में पांच आ रहा है, यानी कि इस पोजीशन को हमने काउंट कर लिया। अब फिर बोल रहा है इधर से भी हमें काउंट करना है, तो आप इधर से काउंट करते हुए आ रहे हो 53 52 ऐसे ऐसे काउंट करते करते यहां पे 6 आओगे, फिर से यहां काउंट करोगे फिफ्थ, तो जितनी बार काउंट करोगे वो आपका, यानी 49 टाइम्स अगर काउंट करोगे तो ये आएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, लेफ्ट से काउंट किए तो भी इसको काउंट कर लिए, राइट से काउंट किए तो भी इसको काउंट कर लिए, यानी कि इसी पोजीशन को दो बार काउंट कर लिए, तो एक पोजीशन को तो हम दो बार काउंट कर नहीं सकते, गलत हो जाएगा ना आंसर। तो उसके लिए एक पोजीशन को डबल काउंटिंग को मिटाने के लिए हमने माइनस 1 कर दिया, क्योंकि दो बार काउंट होगा ही, क्योंकि लेफ्ट भी प्लस कर रहे हैं राइट भी प्लस कर रहे हैं,
तो दो बार तो काउंट होगा ही, इसलिए हमें माइनस वन करना पड़ा। तो ये फॉर्मूला उसी से बना है, यानी कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस वन। अब आप इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि माइनस वन को पहले ही इधर ले आओ, टोटल प्लस वन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। टोटल प्लस वन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, या फिर टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, आपकी मर्जी, जैसा आपको आसान लगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको करना होगा, इसे रो बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफी आसानी से बनेंगे। आइए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं या आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं।